जो भी हूँ जैसा भी हूँ सब इन्हीं की बदौलत है। ये उनकी मॉडेस्टी है, मैं ये बोलना चाहूंगी। सच में ऑल क्रेडिट गोज टू हर एंड शी इज अ गो गेटर इन लाइफ। जो रिश्ते बनाने होते हैं, जो रिश्ते निभाने होते हैं, नए दोस्त बनाना, दोस्ती निभाना, उनको बाखूबी पता है। शी इज वेरी गुड एट ऑल दिस थिंग्स। जिसमें मैं पीछे हट जाता हूँ वहाँ पे ये नई रास्ता निकाल के नई रास्ते में वो अचीव कर लेती है। शी इज ए रियल इंस्पिरेशन इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट ऑनर। आप लोग के सामने सच बताऊंगी, मेरी जिंदगी के दो चैप्टर हैं। एक जो मेरे फोन पे है आप लोग को दिखाना चाहूंगी, ये जो बहुत बड़ी सी शुभलक्ष्मी दिख रही है आपको 132 किलो की, ये मेरी लाइफ की पिछले चैप्टर थी। और आज मैं जो हूँ आपके सामने एक नया जन्म के बाद न्यू शुभलक्ष्मी आफ्टर रिड्यूसिंग 50 kgs, इसकी पूरी श्रेय इनके ऊपर जाता है। जिंदगी जीना मैंने छोड़ दिया था, मेरी मॉडलिंग करियर, मेरी एक्टिंग करियर, सारा कुछ में स्टॉप लग गया था। एक खतरनाक एक्सीडेंट में 6 महीने की कोमा में चली गई थी और उसके बाद इतने सारे स्टेरॉइड्स दिए गए थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए गए थे कि हर साल में बढ़ती गई। हर संसार के नाम दोस्तों के बंधन में बन गई, बच्चों पे, पति पे, सारे संसार पे फोकस देते थे, अपने आप को भूल ही गई थी। और एक गुमशुदा मॉडल और एक्ट्रेस को ढूंढ के निकाले। वो कहते हैं ना, हीरो की परख सिर्फ जौहरी को होता है, और इन्होंने मुझे परखा, इन्होंने मुझे तराशा, और आज अगर मैं आप लोग के सामने हूँ जो कुछ भी हूँ, 50 किलो कम करने के बाद एक नया जन्म का श्रेय सारा इनके ऊपर जाता है। मेरी वेट लॉस जर्नी के हर एक सक्सेस की क्रेडिट इनके ऊपर जाता है। अगर मैं आज इनके हाथ खींच के 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के साइकिल राइड में ले जाती हूँ तो ये हिम्मत मुझे उनसे मिली है। वो कहते हैं ना, एक औरत जब ठान लेती है उसके सामने कोई भी मुश्किल आए, कोई भी अड़चने आए, वो बुद्धा माता की हर शक्ति को धारण करती है और उसको जीत के दिखाती है। That is a way. If there is a way which is destined for us, we can change the way with our willpower. ये बात तो सच्ची है कि ये बहुत जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है वो करके रहती है, चाहे रास्ते में कुछ भी आ जाए, उसको ओवरकम होने में उसको बिल्कुल आराम से करते हैं। ये 50 किलो 60 किलो जो भी वेट लॉस हुआ है इसके लिए इतना आसान चीज़ नहीं था। शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट एंड बहुत मेहनत की है। 5-5 घंटे जिम में, हर रोज 6-6 घंटे 5-5 घंटे जिम में बिताती थी, एंड दो स्ट्रेनियस आवर्स, एंड ऑल बिकॉज उनकी जो जीत थी कि मैं करके दिखाऊंगी, दैट शी अचीव्ड इट। वो बोलते हैं हर सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक मैन होता है, और ये बहुत सही है। इनफैक्ट मेरे सक्सेस स्टोरी के पीछे मेरे मैन हैं, जिन्होंने मेरी दिल जीता और जिनके दिल मैं जीतने में लगी रही। ये प्यार का सिलसिला तो चलता रहेगा। और टू आंसर योर क्वेश्चन, बिग बॉस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, इज द एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म जहाँ मैं अपने सपनों को, जहाँ मैं अपने एक्टिंग करियर को फिर से पंख दे सकती हूँ। और पूरी दुनिया को मैं ये चीख चीख के बताना चाहती हूँ कि उम्मीद कभी जिंदगी में मत छोड़ो। तुमने ठान ली तो तुम करके दिखा सकते हो। और एक औरत की ताकत में वो ताकत है, और वो ताकत उसको उसके पति से मिलती है। और सच बोलूँ तो वुमेन को रेस्पेक्ट कराना, करना, इसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, दिल से आती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी जो प्यार करने की ताकत है
जो लोगों को अपने प्यार से बांधने की ताकत है और परायों को अपने बनाने की जो ताकत है, इनसे उनसे मिली है। बिग बॉस के हाउस में सब मेरे अपने होंगे। हर जंग को सिर्फ फाइट और पॉलिटिक्स से नहीं जीती जाती है। मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने ये भी सीखा है कि हर जंग को प्यार से भी जीता जाता है। जैसे कि पहले कहा था कि अगर हम साथ रहेंगे तो हर जंग जीत के दिखाएंगे, और हम हर बाजी साथ मिल के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में आके हो सकता है हम दोनों दुनिया को ये दिखा सकें कि अगर चाह है तो राह है, और जिद करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिग बॉस की फैमिली को अपना फैमिली बना लेंगे, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने दिल जीत के जीतने की कला से हम सबको अपना बना लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।